नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। लेकिन नए अंदाज में फास्ट मनी लेकर आए हैं आज स्टॉक्स वर्ल्ड कप। जी हाँ, अब वर्ल्ड कप का जो खुमार है, बुखार है, वो जोरों शुरू पर रहेगा। और उसमें ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी रिटर्न्स दिला सकते हैं। थीम बदली है लेकिन कंसेप्ट वही है, 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे। अच्छा, मेजबान तो कल बहुत अग्रेसिव हो गए, 104 रनों से कल साउथ अफ्रीका को 300 से ऊपर रन बना दिए थे, तो टेंशन दे दी इंग्लैंड ने शुरू। एक तो उनकी पिच खुद के ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और तो फास्ट बॉलर्स वाली पिच होती है, अच्छे तरीके से बैट पे आती है बॉल, तो उसमें 300 रनों से ज्यादा बन भी गई तो ऐसी क्या बात है। आजकल तो 200-250 रन तो आसपास तो 20 ओवर में बन जाते हैं T20 मैच में ही, तो 300 के ऊपर अगर टारगेट दे भी दिया था तो ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। वर्ल्ड कप का मुकाबला ऐसी बल्ले पे आ रही थी तो साउथ अफ्रीका के बल्ले पे नहीं आ रही थी ना, दिक्कत थी। साउथ अफ्रीका का बेहद ही खराब प्रदर्शन था कल के सत्र में। ठीक है, इंग्लैंड के बल्ले पे जबरदस्त बॉल पड़ रही थी, अब इंडिया भी समझ जाए क्योंकि 300 रन का जो टारगेट दिया था। पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा भी था, बड़े जोश जोश में टॉस जीता, उसके बाद फील्डिंग करेंगे और फील्डिंग करी तो 300 रनों का टारगेट ले लिया और ऊपर से 104 रन को रनों से यहाँ पे चढ़ गया। तो ठीक है, खराब अब टेंशन की बात तो है। इंग्लैंड ने पहले मैच में इतना टेंशन इसलिए क्योंकि अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका का हमसे ही है 5 जून को, तो कोई बात नहीं, इंडिया के बाद वो तगड़े होकर आएंगे और मुझे इस चीज़ का डर है। नहीं नहीं, वो तो अब ठीक है, हम साउथ अफ्रीका थोड़ा मोरल डाउन है तो हमारे को थोड़ा वो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, आज वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का मैच ही काफ़ी अहम रहेगा क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ भी खेलना है। और उसके बाद ये अभी इंग्लैंड बस 300 बना गया ना, तो हम भी हर मैच पे हम 300 तो बनानी पड़ेंगे। तो इंडिया ने एक टारगेट सेट कर लिया अपने लिए कि एटलीस्ट कम से कम 300 तो होने चाहिए हर मैच में, अगर इंग्लैंड को भी पिछाड़ना है तो। लेकिन ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं बताएं? ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, खराब खबरें हैं लेकिन हमारे लिए अच्छी हैं, ये मैं कहूँगा। ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंताएं हैं वो फिर से एक बार गहराती हुई दिख रही हैं, चाहे वो ट्रंप साहब की ट्वीट हो, चाहे वो चाइना के बयान हो, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ग्लोबल जो ट्रेड वॉर है वो फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब तो ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं, कल से तो चाइना के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात उन्होंने कर दी, अब 10 जून से तो वो कह रहे हैं कि हम मेक्सिको से जितने भी उत्पाद आते हैं उसके ऊपर भी 5% ड्यूटी लगाएंगे। तो उसका जो इम्पैक्ट है आज एशियन मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि एशियन मार्केट नीचे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्रूड भी नीचे है। कल भारी गिरावट क्रूड में देखने को मिली, 2.5 महीने के निचले स्तर के आसपास आपको क्रूड की कीमतें नजर आएंगी, $67 के नीचे अब ब्रेंट का भाव आपको नजर आएगा क्योंकि यूएस में एक जो तेल भंडार है अनुमान से कम घटा है, तो सप्लाई ज्यादा है, उस वजह से एक इंपैक्ट देखने को मिला। दूसरा, जिस तरह से ट्रेड वॉर गहरा रहा है, ग्रोथ को लेकर चिंताएं साफ तौर पर मार्केट्स में देखने को मिल रही, तो उसका इंपैक्ट देखिए। कल क्रूड में भारी गिरावट थी 4% के आसपास की, और हमारे हक में अगर करेंसी कल 4% कमजोर थी, आज हमारे हक में अगर रुपया भी हो जाता है तो जो C2 फैक्टर है करेंसी क्रूड का वो कहीं ना कहीं हमारे हक में आता हुआ दिखेगा। भले ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले हैं, ज्यादा कोई ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ करेंसी और क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए। लेकिन जो कैबिनेट में अब जो रीशफल हुआ उसका भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट इफेक्ट तो रहेगा। अमित शाह 11 बजे बैठक है, रजत अलग अलग कैश लगाए जा रहे हैं कि उसका जो अनाउंसमेंट है वो कितने बजे होगा। कुछ एक बाजार के जानकार कह रहे हैं कि 5 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगा, लेकिन हाँ उसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर होगा। जिस तरह से मंत्रियों को सरप्राइज था, सुरेश प्रभु का नाम नहीं था, ऊपर से सुषमा स्वराज का नाम नहीं था, तो कहीं ना कहीं सरप्राइज तो हुए इस पूरे मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है। लेकिन फिर भी नए लोगों को भी कहीं ना कहीं एंट्री मिली है, और जो पुराने लोग ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर उनका नाम, शाह का नाम किस मंत्रालय से जुड़ेगा, ये बहुत बड़ा बहुत ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा इनफैक्ट मार्केट के लिए। अब तो बहुत क्यास चल रही है, जी बिजनेस आपको बता भी लगातार कि हो सकता है वो वित्त मंत्री बन जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, लेकिन रजत अगर ऐसा हो जाता है ना, वित्त मंत्री के लिए 3 खड़े हो गए। इनफैक्ट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमन, और साथ ही साथ अमित शाह और पीयूष गोयल। अमित शाह की दावेदारी इसमें सबसे स्ट्रांग मानी जा रही है। लेकिन फटाफट से एक बार देखते हैं रिकैप, उसके बाद आज के सत्र की शुरुआत करेंगे, जहां पर कल के सत्र में आपको खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह दी गई थी वो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर बेट लगाई होती इन स्टॉक्स पर तो चांसेस थे कि रिटर्न्स तगड़े मिलते, इसमें रेपको होम, नेस्ले 1% चढ़ा नेस्ले कल के सत्र में, और इसके अलावा एक्सेल को आप यहाँ पर भी तेजी बनती है। अच्छा, नेस्ले आपने कहा था, ब्रिटानिया मुझे याद है, ब्रिटानिया नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपने कहा था नेस्ले। कल आपने मैच देखा, मैच क्या खाए, कुकीज खाई आपने या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किए? नेस्कैफे पी, कॉफी पी थी। अच्छा, तभी वो इसीलिए नेस्ले में ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने जो स्टॉक्स आपको कल बताए थे उसका अगर आप प्रदर्शन देखिए तो स्टार पेपर स्टॉक आपको बताया था नतीजों के दम पर 4% की मजबूती, और वोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर में आपको कह ही रहा था नंबर्स बहुत दमदार है इस कंपनी के, और जब भी इंपैक्ट आता है काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। 13% की मजबूती देखिए स्टॉक में कल देखने को मिली, मेरे टारगेट्स तो बहुत नीचे के थे, उसको ओवरशूट करके कहीं ऊपर के जो लेवल्स हैं उस पर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। 1217 रुपये के आसपास की क्लोजिंग कल स्टॉक में देखने को मिली है, तो नंबर्स का इंपैक्ट ज़्यादा मार्केट्स पर देखने को मिला है, और जहाँ एक्शन देखने को मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आज कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत में कॉक्स एंड किंग्स के साथ करूंगा क्योंकि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर जो नतीजे हैं उसके दम पे हो सकता है कि आज इसकी चाल पलट जाए और तेज हो ये स्टॉक। देखिए, मुनाफे की फिगर है वो दिखा रही है 1418 करोड़ की, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल इनकम है जो कि 1341 करोड़ की है।
अगर उसको भी हटा दें तब भी 77 करोड़ के आसपास का एडजस्टेड मुनाफा दिखाई देगा आपको। 12 करोड़ के घाटे के मुकाबले मुनाफा पोस्ट किया कॉक्स एंड किंग्स ने इस बार, और तिमाही दर तिमाही आधार पर भी मुनाफे की फिगर आई है बेहतर। मार्जिन जो 10-10.5% के थे वो बढ़कर हो गए 15%, और इनकी जो आय है वो 1200 करोड़ से बढ़कर 1268 करोड़ की आई है। तो ठीक नतीजे इंपैक्ट पड़ सकता है, बहुत बीटल डाउन स्टॉक है, चला तो तेज चल सकता है, 9800 तक के टारगेट्स लगाकर चलें, 90 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और एक और बल्लेबाज उतारूंगा, वो है अनंत राज। बहुत समय से चर्चा नहीं हुई लेकिन यहाँ पर नतीजे हैं, उसमें 17% मुनाफा बढ़ा है, 38 करोड़ के फिगर आई है। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी नतीजे अनंत राज के ठीक हैं। आय जो है उसमें 11% का इजाफा देखने को मिला, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए आप, यहाँ पर अच्छा इजाफा है, 19 करोड़ से बढ़कर सीधा 659 करोड़। और वो इसलिए क्योंकि अगर पिछले साल देखें तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इस बार खर्चों को कंट्रोल कर लिया अनंत राज ने, आज बेनिफिट उठाएगा लग रहा है, ये स्टॉक तेज होगा, 38 या फिर 39 तक के टारगेट सेट करें और 33 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप। ये क्या अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है अनंतराज? अनंतराज तो जाहिर सी बात है, फिर जो नई सरकार बनी है ना, तो इस बार हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है, सबको जो घर देने की बात एक लक्ष्य जो लेके उम्मीद लेके चल रही है सरकार, उसका इंपैक्ट जो जितने अफोर्डेबल हाउसिंग वाले रियल एस्टेट में जो तेजी आई थी ये स्टॉक अभी तक चला नहीं था, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्टॉक अब चलेंगे, जिनमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग वाला पोस्ट है ना, जो अच्छे से काम करेंगे इसको लेके चलेंगे इस थीम को, उनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो चलने हैं ना वो है OMCs, उन पर आप जरूर ध्यान रखे चलिए, IOC, HPCL, BPCL मैंने छोटा रजत आपने शामिल किया होगा, क्रूड में हुआ कि एकदम से 4% क्रूड में देखिए सप्लाई एक तो ज्यादा है क्योंकि US में जो तेल भंडार है, अनुमान ये था कि 9 लाख बैरल घटेगा, 3 लाख बैरल ही घटा, तो उस लिहाज से जो सप्लाईज है वो ज़्यादा है वहाँ पे। और दूसरी बात, जिस तरह से ट्रेड वॉर को लेके चाइना का जो रुख है ना रजत, अब बहुत कड़ा होता हुआ दिख रहा है, उनके ओर से जितने भी बयान आ रहे हैं वो काफ़ी कड़े शब्दों में आ रहे हैं। कल भी आपको याद होगा मैं आपको कह रहा था, वो कह रहे हैं कि आप हमें कम मत आंकिए, आज वो कह रहे हैं कि हमने जो सोया खरीद करते थे यूएस से वो भी बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक जो कड़ा रुख था वो यूएस की तरफ से था, अब यूएस चाइना का पलटवार देखने को मिल रहा है। तो ये एक एस्केलेशन, एक जो ट्रेड वॉर है वो गहराने की और जो स्थिति है वो उसकी और इंडिकेशन साफ तौर पर देखने को मिला। तो उस वजह से देखिए क्रूड में जो इम्पैक्ट है वो आना लाजमी था। कल $67 के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसल गया, और अगर रुपया मजबूत हो गया तो दोहरा फायदा IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनीज के लिए हो जाएगा। IOC हाल फिलहाल चला भी है, इनफैक्ट आपको रजत याद होगा जिस दिन इलेक्शन खत्म हुए थे मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये स्टॉक अब यहाँ से बेचने नहीं है आपको, खरीदने का लेवल क्या होगा, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना पोजीशन आप बना सकते हैं वो वाली बात है, और वहाँ से अच्छे खासे स्टॉक चल भी चुके हैं। मुझे अगर सही याद है तो 140-145 के आसपास आया थी उस समय था जब इलेक्शन खत्म हुए थे, 162 के आसपास का लेवल है, अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है, 167-170 तक के जोन आ सकते हैं, 160 का आप स्टॉप ला सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HPCL का, ये तो बहुत वल्नरेबल है, कोई भी अच्छी या बुरी खबर आती है तो हाई बीटा नेचर है बाकी दोनों OMCs के मुकाबले, तो इस स्टॉक में जो एक्शन है वो ज़्यादा तेज देखने को मिलता है, और आज भी ऐसा ही हो सकता है। 330 रुपये तक की चाल, इसीलिए मैंने इसका टारगेट 330 रुपये का दिया है, आप 314 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। HPCL में जो चाल है वो IOC BPCL से ज़्यादा मजबूत रह सकती है। इनफैक्ट जो आप क्रू का ट्रिगर बता रहे हैं उसके आधार पर BPCL मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया, हो सकता है यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आए, 418 या फिर 420 तक के टारगेट BPCL पे लगाकर चल सकते हैं, 404 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। क्रूड जब तक कमजोर रहेगा तब तक फायदा मिलता रहेगा OMC स्टॉक्स को, BPCL, HPCL, IOC। आप तो मुझे यकीन है कि कोई एविएशन वाले स्टॉक्स भी लाए होंगे, पक्की बात है। एविएशन नीचे रह गया, अभी तो पेंट कंपनी ले गया, एशियन पेंट टायर भी होंगे फिर, नहीं टायर छूट गया, वैसे बहुत सारे स्टॉक्स थे तो आज टायर रह गया पीछे, लेकिन एशियन पेंट्स इस पे आप नजर रखें क्योंकि यहाँ पर क्रूड में गिरावट का बेनिफिट ये कंपनी उठाएगी, और इनफैक्ट तेज भी है, पिछले कुछ दिनों में एक्शन ठीक है, सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है। 1398 ये आज के दिन का टारगेट रहेगा, और 1366 का स्टॉप लॉस लगाकर एशियन पेंट्स को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते। अच्छा आप MRPL चेन्नई पेट्रो को भूल गए क्या? आज तो स्टॉक्स ही बहुत ज्यादा है, लंबी सूची है, तो अगर क्रूड पे खेलना होता तो पूरा पोर्टफोलियो क्रूड पे। आपने BPCL ले लिया, उस वजह से मुझे अब MRPL को चुनना पड़ रहा है। इनके लिए भी आप देखिए यही सेम ट्रिगर है कि क्रूड नीचे आ रहा है और अगर करेंसी का सपोर्ट मिल गया तो जितनी भी रिफाइनिंग साइड के प्लेस है उनके लिए आज स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी। 65 रुपये का टारगेट होगा MRPL में, 61.50 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसके साथ साथ देखो तीन कंपनियां अभी तक मैंने जो उतारी है वो सरकारी कंपनियां, चौथा नाम भी एक सरकारी कंपनी है कोल इंडिया, इस पर नजर रखिए आप, और यहाँ पे हो सकता है कि एक्शन बहुत दमदार देखने को मिले। कल नतीजे आए हैं, नतीजे हम कह ही रहे थे छोटा बेस है, मुनाफे में बड़ी बढ़त आ सकती है 4 गुना के आसपास की, लेकिन 4.5 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा रजत, 6000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है, 5000 करोड़ रुपए के आसपास हमारा अनुमान था कि नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन 6000 करोड़ रुपए के नंबर्स आए हैं। अबिड्डा में देखिए 4150% की ग्रोथ आई है, 7.5% इनकी आय बढ़ी है, और मार्जिन जो कि 0.5% के थे 0.73% के, वो बढ़कर अब 29% के आए हैं, तो नंबर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये मामला यहीं तक नहीं रुक जाता रजत, CLSA ने खरीदारी की राय तो मेंटेन करी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है,
270 था पहले, अब उसे बढ़ाकर 290 रुपये किया। और आपकी स्क्रीन पे देखिए एडलवाइस का लक्ष्य भी 243 से बढ़ाकर 263 रुपये। तो ब्रोकिंग हाउसेस में कहीं ना कहीं जिस तरह के नंबर्स इसने पोस्ट किए हैं और आय ग्रोथ जिस तरह से बड़ी है ना, ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है नंबर्स में। तो कोल इंडिया में आज के लिए 265 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक रहेगा उज्जीवन। देखिए अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो एक घाटे के मुकाबले मुनाफा इस बार पोस्ट किया उज्जीवन ने। मुनाफे की जो फिगर आई है वो 63.8 करोड़ की है, लेकिन अगर साल दर साल देखेंगे तो 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, फिर भी 63.8 करोड़ की फिगर बेहतर मानी जाएगी। इनके जो NIOs में 35% का इजाफा देखने को मिला, फिगर पोस्ट हुई है 286 करोड़, और इनके प्रोविजंस घटे हैं तो ठीक लग रहे हैं रिजल्ट्स। अब देखना होगा कि अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस उस पर क्या राय देते हैं, लेकिन आज के लिए अगर खरीदते हैं तो पहले लगाइए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 337 और 355, ये आज के दिन का एक टारगेट। उज्जीवन आप उज्जीवन पे बैट लगा सकते हैं तेजी की साइड। मतलब बहुत बल्लेबाजी होगी, अभी गेंदबाज उतारना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का फीवर है तो फिर गेंदबाज भी पीछे नहीं छूटने चाहिए ना। फास्ट पिचे हैं अगर इंग्लैंड की, तो उस लिहाज से फिर सीमर्स जो हैं, पेस बॉलर हैं, वो काफ़ी एक्टिव रहेंगे। और आज जो सीम बॉलर हो सकता है ना, वो ONGC हो सकता है। दोहरी मार पड़ती हुई दिखेगी। एक तो क्रूड गिरा है 4% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, क्रूड में देखने को मिली। और दूसरी बात, इनके जो नंबर्स आए हैं कल, निराशाजनक नंबर्स कहने चाहिए रजत, आय इनकी 4% के आसपास गिरी है। कामकाजी मुनाफा 37% घटा है, 50% के ऊपर के मार्जिन थे वो घटकर 33% के नीचे आ गए। और मुनाफा देखिए, हम अनुमान कर रहे थे कि 20-25% के आसपास गिरता हुआ दिखेगा, तिमाही दर तिमाही में कह रहा हूँ, 51% इनका मुनाफा गिरा है। 4,000 करोड़ रुपये के आसपास इनके जो मुनाफे के नंबर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो नतीजे निराशाजनक, उसके साथ साथ क्रूड गिर रहा है। दोहरी मार आज के लिए 162 नीचे की, और टारगेट प्राइस आप फंस रहे हैं 172 के आसपास का स्टॉप। इसलिए दोस्तों कि वायदा कारोबार से संकेत अभी तक मिले नहीं, इस सीरीज का जो सेटअप बन रहा है ONGC के लिए ठीक है आज के सत्र में। हाँ, वो इसलिए था क्योंकि क्रूड धीरे धीरे ऊपर की ओर चाल चल रहा था और स्टॉक में मूवमेंट नहीं देखने को मिला था। तो हर कोई ये एंटिसिपेट कर रहा था कि अब चलेगा क्योंकि क्रूड का ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से क्रूड ने गोता खाया है ना, नंबर रिपोर्ट गिर गया तो ठीक है। मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीरीज के लिए कहें ठीक है, मैं मानता हूँ ऊपर आ भी सकता है, आज तो नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, लेकिन फटाफट से देखते हैं रीकैप। मैंने बल्लेबाज उतारे अपनी टीम में, कॉक्स एंड किंग से शुरुआत की है मैंने, जिसमें 98 से 100 तक के टारगेट्स रखे, 90 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। दमदार नतीजे अनंतराज इंडस्ट्रीज के हैं, इस पे 38 या 39 तक की चाल बन सकती है, 33 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। और क्रूड में जो गिरावट हुई है उसके आधार पर OMCs चुने आज आप पोर्टफोलियो में। तेजी की साइड BPCL, यहां पर 418 का टारगेट होगा, 404 का स्टॉप लॉस। और एशियन पेंट्स 1400 तक के लक्ष्य आप सेट कर सकते हैं, 1366 याद के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और बेट लगाएं उज्जीवन फाइनेंशियल पे, जिसमें 337 का स्टॉप लॉस है और 355 आज के दिन का टारगेट। क्रूड का ट्रिगर है जो C2 फैक्टर है, करेंसी और क्रूड का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। जितने भी OMCs प्लेस हैं, रिफाइनिंग प्लेस हैं, IOC, HPCL, MRPL जैसे, ये आज एक्टिव रहेंगे, दोहरा फायदा इनको हो सकता है। IOC में 167 का टारगेट होगा, 330 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं HPCL में, और MRPL का टारगेट होगा आज के लिए 65 रुपए का। कोल इंडिया के नंबर्स जबरदस्त हैं, CLSA ने लक्ष्य बढ़ा दिया, 290 रुपए कर दिया, 265 का टारगेट आज इंट्राडे में ही अचीव होता हुआ दिख सकता है। लेकिन निराशाजनक नतीजे आए हैं ONGC का, उसके साथ साथ क्रूड भी गिरा है। तो दोहरी मार है 162-160 तक के टारगेट्स के लिए, इंट्राडे बेसिस पे अप्रोच कीजिए, 172 का स्टॉप लॉस रखिए। 10 ट्रेड्स और बचे हैं, और शुरुआत में करूंगा अब एक बॉलर से, यानी कि बिकवाली का सौदा होगा, वो होगा PC ज्वेलर। देखिए दमदार रिटर्न्स दिए थे पिछले सीरीज में, लेकिन ये जो BT सीरीज निकली बहुत पिट चुका है। हाँ, इसमें बहुत पिटाई हुई, उसे पहले वाली सीरीज में जबरदस्त तरीके से कहा 140-145 वाला ये स्टॉक वन वे ट्रैक पे टूटता है, जब टूटता चढ़ता है तब भी ऐसे चढ़ता है टूटता है। कल जब मैं ले रहा था आप मुझे मना कर रहे थे कि स्टॉक आज एक्सपायरी है, तेजी बोल रहे थे इस वाले स्टॉक में, खुला तो ऊपर था। अब और भी बिकवाली की जगह है क्या नीचे? बिकवाली की जगह है क्योंकि रिजल्ट डिसअपॉइंट करके चले गए, घाटे में आ गई कंपनी, लग भी रहा था जिस तरीके से टूट रहा था 25-27% के आसपास, तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में टूट चुका है। 377 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया वर्सेज 118 करोड़ का मुनाफा, मुनाफे से घाटे में आई। और प्रॉब्लम यह है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा था 215 करोड़ का, वो अब घटा है और वो अब घाटे में तब्दील हो गया, यानी कि 452 करोड़ का कामकाजी घाटा PC ज्वेलर ने पोस्ट किया है। ऑपरेशनल नतीजे बहुत वीक हैं, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। 76 का पहला टारगेट, लेकिन उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चाहिए, 82 का एक स्टॉप लॉस पहले लगाना होगा। 3 ही गिल्लियां होती हैं रजत, कितनी बार गिल्लियां उड़ेंगी इसकी, कितने दिनों से गिर रहा है। चलिए, लेकिन और कोई बहुत पॉजिटिव संकेत इसके लिए है नहीं, अब दबाव बन सकता है और देखना होगा कि आज ज्वेलरी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। PC ज्वेलर ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। दूसरा जैन इरिगेशन, यहाँ पर भी नतीजे कमजोर हैं। हमने कल एक स्पेशल शो किया था, उसमें इरिगेशन में जैन इरिगेशन बताया गया था, लेकिन ये भी बोला गया था कि अगर कोई डिप मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कर्ज बहुत ज्यादा इस कंपनी के ऊपर, उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंबी अवधि में हो सकता है पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न, एक साल की राय दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो नंबर आए उन्होंने फिर से डिसअपॉइंट किया। 45% मुनाफा घट गया, 53.7 करोड़
की फिगर आई है, आए जो उसमें 6% की गिरावट है, उनका कामकाजी मुनाफा 33% घटता हुआ नजर आया है। तो कमजोर नतीजे ऑलरेडी टूट चुका है। अच्छा, ये स्टॉक पीसी ज्वेलर जैसा नहीं, इसमें ऑलरेडी बहुत टूट चुका है। अब आज के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो 55 का पहले स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए, उसके बाद 50 से 51 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जनरेशन एक स्टॉक जिसके नंबर्स बहुत मजबूत आए हैं और जो मजबूत चाल दिखा भी सकता है वो है एल्केम लैब्स का। इनकी आय आप देखिए 24% के आसपास बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए 128%, यानी कि 2 गुना से ज्यादा की बढ़त इनके कामकाजी मुनाफे में हुई है। मार्जिन 7% के आसपास के थे, वो बढ़कर 13.5% के हो गए हैं। दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है ऑपरेशन फ्रंट पे, और मुनाफा देखिए 150%, 2.5 गुना के आसपास की बढ़त है। 67 करोड़ का मुनाफा था, 167 करोड़ रुपए हो गया, तो दमदार परफॉर्मेंस है। और मैं तो कुछ ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट देख रहा था, 2200-2300 रुपए के आसपास के टारगेट प्राइस बढ़ा के किए गए हैं। आज के लिए बहरहाल 1810-1830 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, 1745 के आसपास का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब पूरी तरह से फोकस जो है ना रजत, जो अगले स्टार स्टॉक है ना, वो इसी बात पे है कि कौन सी मिनिस्ट्री का पदभार किसके हाथ लगता हुआ दिखेगा। क्या से यही लगाया जा रहा है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो शायद पीयूष गोयल साहब के पास जाती हुई दिखेगी। तो टैक्समैको रेल एक स्टॉक है, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से दमदार चल भी रहा है। कल भी अगर आप देखें 3-3.5% के आसपास की मजबूती थी। अगर आप इसका इंटरडे चार्ट दिखा पाएं तो ये स्टॉक कल डे हाई के आसपास ही बंद होता हुआ दिखा है। एकमात्र ऐसी कंपनी है, देखिए डे हाई के आसपास की क्लोजिंग कल स्टॉक में 3.25% चढ़ के बंद हुआ था। एकमात्र ऐसा स्टॉक है इस पूरे स्पेस में जो कि देखें रेलवे के हर सेगमेंट को केटर करता हुआ दिखा है। मजबूत कंपनी है, और अगर पीयूष गोयल साहब बनते हैं, उम्मीद यही है कि इस बार रेलवे को लेकर जो कामकाज है बहुत तेजी से होता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर और बाकी जो वैगन की बातचीत है बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। आज के लिए ही 81 रुपए का लक्ष्य होगा, आप 75 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए, केएनआर कंस्ट्रक्शन एक स्टॉक है, इस स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है। आज केएनआर कंस्ट्रक्शन का टारगेट है वो 302, स्टॉप लॉस 282 का लगाना होगा पिछली क्लोजिंग के हिसाब से। मुनाफे की फिगर 15.5% बढ़ी है, 92 करोड़ पहुंची, और आय में लगभग 14.5% का इजाफा देखने को मिला है, 715 करोड़ की फिगर रिपोर्ट की केएनआर कंस्ट्रक्शन ने। तिमाही दर तिमाही आधार पर भी नतीजे बेहतर है, 302 का टारगेट, 282 का स्टॉप लॉस। और क्रूड में गिरावट का फायदा एविएशन कंपनी भी उठा सकती है, जिसमें स्पाइस जेट यहां पर तेजी बढ़ सकते हैं। कल के सत्र में भी एक्टिव था, 152 के लक्ष्य के लिए खरीदें इसे, 142 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से लगा लीजिए स्टॉप का। सरकारी बैंकों पे नजर रखिए, आज एक क्यास लगा रहा हूं रजत मैं कि अगर अमित शाह वित्त मंत्री बन गए ना, दमदार एक्शन देखने को लेगा पीएसयू स्टॉक में। वो इसलिए खास तौर पे ऐसे बैंक्स मैंने चुने जो कि छोटे टिकट साइज वाले हैं, या तो फिर ऐसे स्टॉक जिनके आप देखिए ग्रॉस एनपीए बहुत ज्यादा हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो रिकवरी है वो बहुत स्ट्रांग रह सकती है। इसी उम्मीद में आज हो सकता है कि जो सरकारी बैंक है उनमें फोकस काफी ज्यादा देखने को मिला। यूको बैंक एक नाम है जिसको 19 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, 16.90 रुपए के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप रख लीजिए। इसके साथ साथ सिंडिकेट बैंक, ये तो एफएनओ वाला स्टॉक है, यहाँ पे भी एक्शन दमदार रह सकता है इसी उम्मीद में कि रिकवरी बहुत स्ट्रांग रह सकती है अगर अमित शाह वित्त मंत्री के तौर पर सामने आते हैं। क्यास लगाए जा रहे हैं केवल इसी उम्मीद में कि इनका नाम आज वित्त मंत्री के तौर पर सामने आता हुआ दिखेगा। 38 रुपए का टारगेट होगा आज के लिए, 35.40 रुपए का आप स्टॉप कर सकते हैं। जो भी डेटा चेक करा था वायदा एक्सपायरी का, उसमें बैंक ऑफ इंडिया, इस पर भी नजर रखी जा सकती है। बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है कि तेज हो इस सीरीज में, तो आप नजर रखें सरकारी बैंकिंग खेमे में अच्छा सेटअप इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो स्टॉक होगा वो होगा सिमको। आमतौर पर चर्चा कम होती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि रेलवे कंपनियों पर नजर रखनी होगी, तो सिमको के जो नतीजे हैं उसमें 16 करोड़ के घाटे के मुकाबले 40.5 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल हालांकि एक्सेप्शन लॉस था, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे तब भी नतीजे आपको बेहतर ही दिखाई देंगे, क्योंकि कामकाजी मुनाफा 6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 7 करोड़ का कामकाजी मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो सिमको पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट ठीक पोस्ट कर रहा है। आज के दिन एक स्टॉप लॉस लगाइए, 33-39 तक के टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं स्टॉक। आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में, वो भी एक पीएसयू बैंक है, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी छोटे टिकट साइज वाला काउंटर है। उम्मीद यही है कि अगर वित्त मंत्री के तौर पे अमित शाह का नाम सामने आता है तो फिर इन बैंकों की रिकवरी, ऐतिहासिक फैसले बैंकों के लिए या फाइनेंशियल स्पेस के लिए वो ले सकते हैं। इसी उम्मीद में हो सकता है कि आज पीएसयू बैंक लाइमलाइट में रहे, एक्शन में रहे। 14 रुपए का टारगेट होगा आईओबी में, 11.70 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इंट्राडे बेसिस पे जरूर फॉलो कीजिए। चलिए फटाफट से देखते हैं रीकैप। शुरुआत मैंने बल्लेबाजों के साथ की, जिसमें कॉक्स एंड किंग्स नतीजे बेहतर, 98 का टारगेट है, 90 का स्टॉप लॉस। अनंतराज इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहतर, 38-39 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 33 का लगाइए स्टॉप लॉस। और क्रूड में जो गिरावट हुई है उसके आधार पर आज चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है ओएमसी कंपनियां, जिसमें बीपीसीएल 418 के लक्ष्य के लिए खरीदें। और पेंट कंपनियों में एशियन पेंट्स प्रेफर्ड पिक रहेगी आज, 1400 तक के टारगेट्स, 1398 सिर्फ 1400 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। उज्जीवन खरीदते हैं रिजल्ट्स के बलबूते, तो आप 337 का एक स्टॉप लॉस लगाइए जरूर, उसके बाद 355 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और जो बोलर्स उतारे गए हैं उसमें पीसी ज्वेलर और जैन इरिगेशन दोनों के कमजोर नतीजे हैं। पीसी ज्वेलर 76 का टारगेट, 82 का स्टॉप लॉस, और जैन इरिगेशन 50 का टारगेट, 55 का स्टॉप लॉस। केना कंस्ट्रक्शन और स्पाइस जेट जैसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और स्मॉल कैप स्टॉक है सिमको, जिसमें नतीजे बेहतर है, 39 का टारगेट है, 33 का स्टॉप लॉस। शुरुआत मैंने ओएमसीज के साथ करी है, आज बेहतर दिन हो सकता है। क्रूड गिरा है एक तो, और दूसरा करेंसी का अगर सपोर्ट मिल गया तो आईओसी में 167, एचपीसीएल में 330 रुपए तक की चाल आ सकती है। एमआरपीएल भी इसी ट्रिगर के आधार पर चुना गया है, आज के लिए 65 रुपए का लक्ष्य है। कोल इंडिया नंबर जबरदस्त आए हैं,
6,000 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया और उसके साथ साथ 3 ब्रोकिंग हाउसेस ने टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर अपग्रेड किया है। 265 का टारगेट आज के लिए 250 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ओएनजीसी के एक तो नतीजे खराब है और क्रूड भी गिरा है तो दोहरी मार पड़ सकती है। 162 रुपए का टारगेट 172 रुपए का ऊपर की ओर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एलकेएम लैब्स के नंबर बहुत शानदार आए हैं, ब्रोकिंग हाउसेस अब 2,200 रुपए के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। आज के लिए 1,810 का टारगेट प्राइस होगा और रेलवे स्टॉक्स आज दमदार एक्शन दिखा सकते हैं। टैक्समैन को रेल 81 रुपए का टारगेट होगा, कल भी डेहाई के आसपास ही क्लोजिंग थी। और पीएसयू बैंक्स में हो सकता है कि आज एक्शन जबरदस्त देखने को मिले। यूको बैंक में 19 रुपए, सिंडिकेट बैंक 38 रुपए और उसके साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी यहां पे 14 रुपए का टारगेट होगा। 11 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 12,000 के लेवल के पास पहुंच रहा है एसजेएक्स निफ्टी, तो संकेत ठीक है, निचले स्तर से कुछ खरीदारी बनती हुई नजर आई। अब देखते हैं यहां पर ज्यादा दूर है भी नहीं 12,000 से। 11994 पे देखा मैंने अभी भी और मेरे को लगा यहां पर 12,000 के वहां पर लेवल तक पहुंच गया, अच्छी तेजी बन रही है। अब देखते हैं कि आज पहला दिन होगा, पहला ट्रेडिंग सेशन है यहां पर, जिस तर्ज में यहां पर ट्रेडिंग होगी, लेकिन नई सीरीज की शुरुआत होने वाली। अच्छा, इस बार तो ट्रिगर ही बहुत बड़ा है कि बहुत सारे स्टॉक्स तो एफएनओ से बाहर होंगे इस सीरीज के आखिरी में, चौथी स्टॉक्स हाँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिल सकता है।